हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोयू मेलोंग 3C एंड आरिस नेगी। ओके, तो लास्ट तक वीडियो देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा क्यूब का बेनिफिट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इसके बाद हम अपना सीपॉप का सीरीज स्टार्ट करेंगे। मैंने सीपॉप का प्लस बनाने का वीडियो डाल के रखा है और मैं इसके बाद का वीडियो डालूंगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड देखिए कि कौन सा क्यूब अच्छा है आपके लिए जिससे आप एक स्पीड क्यूबर बन सकते हो। एंड यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए रखे हो तो अभी तक कर लो। ओके, क्योंकि और अमेजिंग वीडियो आते रहेंगे अब। ठीक है, एवरी संडे 4 बजे वीडियो अपलोड होता रहेगा और ये फिक्स शेड्यूल है। ओके, तो अब मैं अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो मैं अगर फर्स्ट डिफरेंस की बात करूँ तो प्राइस का, तो मोयू मेलोंग 3C का प्राइस है 300 और आर एस ने का प्राइस है 250 अराउंड। ओके, और सेकंड डिफरेंस है कलर का। तो अगर आप कलर देखेंगे तो मोयू मेलोंग 3C का कलर बहुत ही मतलब शाइनी लुक देता है एकदम। जब आप पैकेट को खोलोगे, और तब भी मैंने तो इसको मतलब 1 साल तक यूज़ किया है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम जैसे का वैसा ही है। देखिए कलर एकदम बहुत ही अच्छा है इसका, लेकिन आर एस ने के कलर उतने भी अच्छे नहीं है क्योंकि यहाँ पे ब्लू थोड़ा सा लाइट है और रेड यहाँ पे पिंकिश टाइप का है, इसलिए ये बहुत अच्छा नहीं लगता। येलो वाइट बहुत ही अच्छे हैं, येलो इसके बहुत अच्छा लगता है मुझे क्योंकि बहुत लाइट ही है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस है कॉर्नर कटिंग का। कॉर्नर कटिंग देखिए, इस क्यूब की कॉर्नर कटिंग एकदम बेकार है क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको 30 डिग्री पर रखूँगा तो ये 30 डिग्री भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बहुत अगर जोर लगाए तब ये कर सकता है, लेकिन नहीं, ये 30 डिग्री भी नहीं कर सकता। लेकिन इस क्यूब में अगर हम 30 डिग्री करें तो ये बहुत ही आराम से हो जाता है, 30 to 45 ये तो बहुत ही आराम से कर लेता है। 45 में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है लेकिन ये कर लेता है। ठीक है, तो कॉर्नर कटिंग के मामले में ये क्यूब बहुत अच्छा है। ठीक है, और मैं बताना चाहता हूँ कि ये दोनों अभी तक बहुत ही अच्छे बजट क्यूब रहे हैं। क्यूब लेवल पर आप इनको खरीद सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा, आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिए और देख लीजिए कौन सा क्यूब अच्छा लगता है, वो वही क्यूब आप खरीदना जिससे आप एक स्पीड क्यूबर बन सकते हो। ठीक है, और अगले डिफरेंस की बात करूँ टर्निंग की, तो मोयू मेलोंग 3C की टर्निंग बहुत ही अच्छी है। मतलब आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ही ये टर्निंग आपको करवाएगा, लेकिन अगर आप इसको नए नए में जब खरीदोगे तब इसकी बहुत ही लेयर बहुत ही स्मूथ होगी जिससे यहाँ पे एल्गोरिदम थोड़े से मेसअप हो सकते हैं, लेकिन इसमें मेसअप होने के कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, आप देख ही सकते हैं, हम मुझे जितनी टर्निंग की ज़रूरत है उतनी ये हो रही है। और अगर मैकेनिज्म की बात की जाए, देखिए ये अगर आप बहुत दिन तक यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपका जो ढीला ढीला सा पड़ जाएगा, देखिए मैंने तो इसको 1 साल, इसको भी 1 साल यूज़ किया है, तो देखिए ये थोड़ा सा ढीला ढीला सा पड़ गया है, लेकिन ये एकदम का जैसा का वैसा है, एकदम स्प्रिंग सिस्टम का जैसा का वैसा है। तो ठीक है, तो अगर मेरे तरफ से बोलना चाहूँ तो मोयू मेलोंग 3C आर एस नेगी से बहुत अच्छा क्यूब है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मोयू मेलोंग 3C आप खरीदें और इससे आप sub 30 to sub 20 एकदम अच्छे से बन सकते हो। ओके, तो आज का वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक वीडियो पे लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना आपके मतलब कौन क्यों कौन सा क्यों आपके पास है। ठीक है, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।